नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले गोड्डा से। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मधुपुर में किया रोड शो। रोड शो से पूर्व उन्होंने मधुपुर के सुभाष चौक स्थित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन, उनकी पत्नी अनुकांत दुबे व यूपी के मथुरा से आए विधायक हरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रोड शो के लिए निकल गए। रोड शो शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः भाजपा कार्यालय के समक्ष समाप्त। रविवार को गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मधुपुर में रोड शो निकाला। रोड शो से पूर्व उन्होंने सुभाष चौक स्थित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन यूपी के मथुरा से आए विधायक हरेंद्र सिंह व उनकी पत्नी अनुकांत दुबे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उसके बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो के लिए निकल गए। रोड शो सुभाष चौक से होते हुए राजबाड़ी रोड, न्यू कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, स्टेशन रोड, गांधी चौक, खटिया रोड, थाना मोड़ का भ्रमण कर पुनः सुभाष चौक स्थित भाजपा कार्यालय के समक्ष संपन्न हुई। मौके पर गोड्डा सांसद श्री दुबे ने कहा कि हर हाल में भाजपा को बहुमत दिलानी है और एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा, मधुपुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती रही है, जो भाजपा के अग्रणी नेता रहे हैं। अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनका कीर्तिमान बना रहे तो भाजपा को अधिक से अधिक मत देकर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी बनावें। इस अवसर पर उनके साथ हरिभाई पटेल, संजय यादव, सुबोध राय, अवध भैया, भाजपा नगर अध्यक्ष अग्निभूषण, भोला पटेल, भरत भैया, मोती सिंह, विनय वर्मा, विद्रोह मित्रा समेत भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता समर्थक मौजूद थे। सिक्किम से, अरुणाचल से, मणिपुर से, मिजोरम से आर्मी के पावर को खत्म कर लेगा। इस देश का 47 में एक बार बंटवारा हो चुका है। आधा कश्मीर पाकिस्तान ले चुका है, वो अपने कब्जे में ले चुका है। 1962 में चीन ने पूरे एक ऐसी धरती है जहाँ जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर था। और हमने हमेशा कहा है कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इसीलिए मधुपुर के लोगों के लिए और भी एक चिंता की बात है कि उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुआ, वो कश्मीर हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए मधुपुर के कार्यकर्ताओं के लिए वो एक बात। और तीसरा, गोड्डा लोकसभा में 1,00,000 करोड़ से ऊपर की योजना चल रही है। 40,000 करोड़ का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है, 16,000 करोड़ का अडानी पावर प्लांट है, 10,000 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, 10,000 करोड़ का जो है नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, फ्लाई ओवर बन रहा है, एम्स बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बुरासी डैम बन रहा है, बुढ़ाई डैम बन रहा है, ITI बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रहा है, सेंट्रल स्कूल बन रहा है, सैनिक स्कूल बन रहा है, ये सारी चीज़ें बनेगी कि नहीं बनेगी, लोगों के रोजगार के लिए प्लास्टिक पार्क बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए ये मुद्दा तीन ही है, हम कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीन मुद्दा है, पिछड़ा प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं, मजबूत आदमी प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, और इस गोड्डा लोकसभा का विकास होगा कि नहीं होगा। और ये सब आपके कंधों पर है। और आप कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आज के बाद से आप लोग ये शपथ ले लीजिए
19 तारीख तक अपने घर में नहीं जाएंगे, तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे। आज उसका अभी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है गोड्डा में, उसने कहा है कि कोरियाना में जो दंगा हुआ था और उसमें हिंदू जो मारे गए थे, हमने हिंदुओं का पक्ष लिया, इस कारण से जो है गोली चलाने के नियत से, दहशत फैलाने के नियत से वो अपराधी आए थे, वो मेरी हत्या करना चाहते थे। आज अभी एसपी ने गोड्डा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं अंतिम दम तक इसके लिए लड़ूंगा, हिंदुओं के लिए संघर्ष करूंगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। हमेशा सहभागी रहूंगा। सरफरोशी की ये तमन्ना ये हम हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का दिल में है। जय हिंद, जय भारत।